हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी DIY मैन शर्ट से आप कैसे अपने बेबी के लिए इजीली, बहुत ज़्यादा इजी मेथड बताऊंगी मैं आपको ये शर्ट बनाने का। तो आपके पास कोई भी ओल्ड शर्ट या कैसी भी शर्ट हो, उससे आप अपने बेबी के लिए शर्ट बना सकती हैं। मेक श्योर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर ठोक के जाइएगा और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा के जाइएगा। तो ये जो शर्ट है, ये आप देख सकते हैं, मैंने उस्मान की शर्ट ली है और ये साइड से फट चुकी है, और ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी उस्मान के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने रेयान के बेटे की अपने शर्ट बना लूँ। तो सबसे पहले मैं इसके बटन को ओपन कर लूँगी। कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है गाइस। तो इसे इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। ये आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट हिस्सा को फोल्ड कर दिया है, एक के ऊपर एक रख लिया है। अब आप कोई भी अपने बेटे की शर्ट ले लें, अगर आपके पास शर्ट ना हो तो कोई टी शर्ट ले लें, कुछ भी उसका नाप लेने के लिए। तो मैं इस तरह से ये नाप ले रही हूँ उसका। तो मैं थोड़ी सी इसको लॉन्ग में रखूँगी अपनी शर्ट को रेयान की। तो मैं इस तरह से पूरा मेजरमेंट ले लूँगी इसके अंदर से। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अमूल की भी मार्किंग कर ली है और ऊपर के तीरे की भी मार्किंग कर ली है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो हमारा फ्रंट पोर्शन तो कट के तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं इसका नेक कट करूँगी। तो 1.5 इंच में चौड़ाई लूँगी और 1.5 इंच इसकी लेंथ लूँगी नेक की। ज़्यादा डीप लेंथ नेक नहीं रखना है क्योंकि हमें कॉलर बनाना है। तो फ्रंट ही नेक कट होगा, बैक नहीं कट होगा। अब मैं इसका बैक पार्ट कट करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं खुल के ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं इसका बैक पार्ट कट करूँगी। तो जिस तरह से हमारी शर्ट रखी थी सेम उसी तरह से आपको रखनी है इसके बैक पार्ट पे। और अपने जो आगे का फ्रंट का हिस्सा जो कट किया था उसी को इसके ऊपर रखेंगे और सेम मेजरमेंट ले लेंगे और इसे भी कट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सेम मार्किंग आप मेरी बैक पोर्शन पर भी आ चुकी है और इसे भी मैं कट कर लूँगी। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी क्लिक कर लें जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये आप देख सकते हैं बैक पोर्शन कट के तैयार है। तो ये जो मैंने कट किया है ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक पार्ट कुछ इस तरीके से आएगा जैसे शर्ट में आता है नॉर्मली। अब मैं इसकी स्लीव्स कट करूँगी। तो हमें ओल्ड शर्ट में से स्लीव्स, दोनों स्लीव्स को निकाल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों स्लीव्स को निकाल लिया है और अब मैं इसे नीचे का जो ये कफ है इसे भी निकाल लूँगी। लेकिन निकालने से पहले आप इसमें ध्यान रखें कि आपको हल्का हल्का मार्जिन छोड़ना है, इसमें पूरा सिलाई से कट नहीं करना है। हल्का हल्का दोनों स्लीव्स का आपको ये कफ निकाल लेना है। ये कफ भी मैं अपनी स्लीव्स में लगाऊँगी, जो मैं अपनी शर्ट में स्लीव्स लगाऊँगी। तो अब हमें दोनों स्लीव्स को ले लेना है अब दोबारा से और इस पर भी मेजरमेंट ले लेना है। अपनी शर्ट को मैंने स्लीव्स को अंदर कर दिया है शर्ट की और इसके आमूल का मैं मार्किंग ले लूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से मैं इसमें मार्किंग ले रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने मार्किंग ले ली है। अब इसकी जो लेंथ है मैं इसकी 11 इंच रखूँगी इसकी लेंथ, लेकिन 2 इंच का मेरा कफ है तो इसकी 9 इंच की मैं लेंथ लूँगी और 3 इंच इसकी मैं चौड़ाई लूँगी मोरी की और इसे इस तरह से ऊपर से मिला दूँगी और इसे कट कर लूँगी। थोड़ा हल्का हल्का सीम अलाउंस का भी मैं ले कर कट कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब मैं इसके नीचे कफ लगाऊंगी, ये देख सकते हैं, लेकिन ये कफ थोड़ा बड़ा है तो मैं इसे छोटा कर लूँगी। छोटा करने के लिए मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी और एक तरफ की पट्टी को हल्का सा कट कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके से कुछ कट हो जाएगा। दोनों स्लीव्स को आपके दोनों कफ को इसी तरह से कट करना है। अब मैं अपनी शर्ट के शोल्डर जॉइंट करूँगी। तो ध्यान रहे अंदर की तरफ आपकी राइट साइड होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं अपने। अब मैं स्लीव्स में अपने कफ लगाऊंगी। तो ये जो हमने कट किया था हिस्सा इसे हम डबल फोल्ड कर देंगे और ऊपर की तरफ एक सिलाई कर देंगे और उसके बाद इसे रॉन्ग साइड अंदर की तरफ रॉन्ग राइट साइड होनी चाहिए और इसे इस तरह से स्ट्रिच करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे स्ट्रिच कर लिया है, ये इस तरह से हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब मैं अपने शर्ट में स्लीव्स जॉइन करूँगी। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आपको अपनी स्लीव्स जॉइन करनी है। सेम प्रोसेस से आपको दूसरी स्लीव्स को भी जॉइन कर लेना है। तो इस तरह से मैंने जॉइन कर ली है दोनों स्लीव्स को। अब मैं इसकी साइड की फिटिंग लगा लूँगी। तो ध्यान रहे आपको हल्का सा मैंने कफ के बराबर में मार्जिन छोड़ा था। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे स्ट्रिच कर लिया है।
तो अब मैं इसका कॉलर का मेजरमेंट ले लूँगी। तो मेजरमेंट लेने के लिए आपको फ्रंट और बैक का जो नेक है हमारा, दोनों को एक साथ ही मेजरमेंट ले लेना है। तो आप देख सकते हैं ये 11.5 इंच आ रहा है मेरा पूरा। अब मैं इस तरह से किसी एक पट्टी लूँगी और इसे इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड होने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है, मतलब ये 7 इंच चौड़ी पट्टी है। और लेंथ मैंने इसकी 11.5 इंच से आधा इंच फालतू ली है, मतलब 12 इंच हो गई है। अब मैं इसे साइड से स्टिच कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे साइड से स्टिच कर लिया है और अब मैं इसे राइट साइड पर टर्न करूँगी। राइट साइड पर टर्न करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कॉलर हमारा। अब मैं अपनी शर्ट लूँगी और इसे जॉइंट कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं पहले आपको नीचे का कपड़ा इसे जॉइंट करना है, ऊपर का जो कपड़ा है इसे रहन देना है, ये वाला कपड़ा आपको रहन देना है, नीचे वाला कपड़े को इसे अच्छे से जॉइंट कर देना है पूरे नेक पर। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे जॉइंट कर लिया है। अब ये ऊपर का हमारा पोर्शन बचा है, इसे हमें फोल्ड करके अंदर की तरफ सारी सिलाई ले लेनी है और इसे ऊपर से स्टिच कर देना है। ध्यान रहे आपकी जो पहली वाली सिलाई है वो भी अंदर चली जाए, उसके बाद इसके ऊपर स्टिच करना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसे स्टिच कर लिया है और हमारी शर्ट कंप्लीट हो चुकी है मेरे बेटे के लिए। तो गाइज़ मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? तो ये आप देख सकते हैं मेरा ये बेटा कितना प्यारा लग रहा है उस्मान की शर्ट पहनकर। तो गाइज़ अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी कैसी वीडियो मेरे चैनल पर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।